Happy birthday! इधर इधर मैम मैम गो हैप्पी बर्थडे राजन 1 2 3 गो हैप्पी बर्थडे राजन सर अरे चुप है वन मोर जी तुम्ही पण सगे 1 2 3 गो हैप्पी बर्थडे राजन थैंक यू चलो पीछे आ जाओ सब लोग पीछे जाओ दादा कोई गुलशन तेरा असिस्टेंट है क्या कोई गुलशन
यस सर यस सर थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ सर। एल सी डी आगे है ना। चलो चलो ग्रुप पीछे, ग्रुप पीछे। ग्रुप पिक्चर होगा ना। काम काम एवरीबॉडी। अभी सर आशीष भाई आ गया नहीं? हाँ रेडी सर, रेडी। सब लोग देख रहे हैं वहाँ पे कौन पोर हो रहा है। वैसे थोड़ा थोड़ा आगे। रेडी सर, रेडी। हाँ रेडी सर। चलो आई कम अ लिटिल फॉरवर्ड, आप लोग आगे थोड़ा आगे, थोड़ा क्लियर आ जाओ। अरे सर हाँ हाँ सर 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 रेडी सर। बिना मास्क के, बिना मास्क, बिना मास्क, बिना मास्क। हाँ सर रेडी, रेडी सर रेडी। सर होल्ड होल्ड होल्ड, वन मोर वन मोर, होल्ड होल्ड। सही है, ऑल इज ओके सर। एक थैंक यू। अर्ली नेक्स्ट फर्स्ट वीक होता है, मुझे कॉल कर मेरे फोटो पे विजिबल। फिर मैं उनको फोन जाएगा या फोन मेरा नहीं जाएगा। जस्ट हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजन सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे भाई एक मेरा कस्टमर गलत हो गया, तू दो लाइनें बोलूंगा। और आज बर्थडे है मतलब विद टीम लाइक अनुपमा। शुरुआत दिन का जो है ऑफकोर्स वेटोरा आश्रम में नीटू गुरु जी ब्लेसिंग्स, बट एक शुरुआत फैमिली के साथ हुई है, अनुपमा टीम के साथ। एंड इट फील्स लाइक अ फैमिली एवरी डे एंड आई फील वी आर ब्लेस्ड। दैट इज़ वाई भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें ये एक शो दिया है वेयर ही सेइंग दैट एंटायर टीम टुगेदर डिजर्व समथिंग। सो गाइज आई एम प्राउड ऑफ यू एंड वी कंटिन्यू डूइंग दैट वर्क फॉर द ऑडियंसेस एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये पहला शो है विच आई एम डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन। ने काफ़ी शोज प्रोड्यूस किए ओवर द इयर्स, मिलने रिश्ता कहलाता है, रिश्ते प्यार के बहुत सारे और शोज हैं, बट ये पहला शो है जो मैं अपनी मदर के साथ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कंपनी का नाम शाही प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है एंड आई ऑलवेज से कि जो ब्लेसिंग्स हैं वो ऊपर वाले की है। और ये अनुपमा शो पे एक मदर की ब्लेसिंग्स रही है शुरू फर्स्ट डे से, रूपाली हमेशा ये बात कहती है। सो थैंक यू, यही रहे। थैंक यू टू ऑल योर एल्डर्स इन द हाउस ऑल्सो, टू योर पेरेंट्स, टू ऑल योर फैमिलीज। वैसे ही हमारी टीम बनी रहे एंड रियली थैंक्स टू योर फैमिली एंड ऑल द एल्डर्स इन द फैमिली दैट वी आर सीइंग दिस गुड डे फॉर अनुपमा। आज भी हमारा अनुपमा प्यार के आ जाएगी अब आएगी। सो कैन आई प्लीज से दैट द रेटिंग्स हैव जस्ट कम इन एंड वी आर
हमारा शो लॉन्च हुआ है आज भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से, आज हमारी हाईएस्ट टीआरपी है, तो पूरी विनम्रता टोटल ह्यूमिलिटी के साथ थैंक यू टू द ऑडियंसेस एंड दर्शक जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया, भगवान करे और भी मिले। और एज कस्टमरी तीन बार क्या करेंगे, और उसके बाद 3 cheers फॉर राजन सर बर्थडे एंड द हाईएस्ट टीआरपी टुडे, हिप हिप हुरे हुरे हुरे। बर्थडे हैज बिकम मोर स्पेशल देन भगवान करे मेरा रोज बर्थडे है। दिस इज अ साइन दैट यू आर ब्लेस्ड, दिस इज अ साइन, दिस इज अ साइन। फोटोग्राफ हो गए सर? यस सर। चातरा तुम्हारा एक सेकंड मम्मी, अरे आंटी आंटी चलो अभी 5 minutes सेल्फी टाइम, 5 minutes अगर उमेश सेल्फी टाइम 5 minutes कौन खींचेगा? वीडियो 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 डबल सेलिब्रेशन है सेट पर, एक तो सर का बर्थडे, ऊपर से दिया अभी लाइक नंबर वन शो। व्हाट वाज द फीलिंग जब आप केक कटिंग कर रहे थे एंड जस्ट टीआरपी का आपके सामने आया कि 3.8 व्हिच इज अ बिग थिंग फॉर या सेलिब्रेशन कर रहे हैं मगर विद ऑल प्रोटोकॉल्स। अभी खाली इस बाइट्स के लिए और केक कटिंग के लिए हमने मास्क उतारा है, अदरवाइज दे वांटेड टू अ बिगर से, मतलब वी वुड हैव डन, मगर हमने डिसाइड किया जो यूनिट है, जो हमारे एक्टर्स हैं, सारी टीम है, उनके साथ एक छोटा सेलिब्रेशन करते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं। और खुशी हो रही है कि आज एक अच्छा दिन है, अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा हूँ मैं, अपनी मदर के साथ, और ये फैमिली जो मेरी अनुपमा है उनके साथ स्पेंड कर रहा हूँ। बर्थडे की शुरुआत आज है एंड आज विद गॉड्स ब्लेसिंग्स हमारे शो की हाईएस्ट टीआरपी, इट वाज डूइंग वेल, बट हाईएस्ट टीआरपी 3.8 अनाउंस हुई जब मैं केक काट रहा था, तो आई थिंक ये एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो वी नीड ऑडियंसेस ब्लेसिंग्स एंड विशेस कि ऐसे मेहनत करें। सर लॉन्च से ही आप कहते आ रहे हैं कि ये शो आपके लिए बहुत खास है, इसमें आपकी मम्मी जुड़ी हुई है, लॉन्च से ही हमने ये सुना है सर, बार बार इसके जिक्र करते हैं, अब तक का सफर किस तरह से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत है, ये तो शुरुआत है सफ़र की। जब शो स्टार्ट किया था तो मैंने पहली बार एक हमने नई कंपनी की शुरुआत करी डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के बाद, शाही प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, ये मैं कंपनी में को प्रोड्यूस कर रहा हूँ अनुपमा शो अपनी मदर दीपा शाही के साथ, तो शुरुआत अच्छी हुई। ऑफ कोर्स थोड़े उतार चढ़ाव आए बट आई थिंक फॉर द बेस्ट है, बिकॉज टीम में एक बहुत अच्छा जज्बा था और एक दूसरे के लिए बहुत बिलीव था कि हम साथ में, मतलब हमको पता नहीं टीआरपीस क्या आने वाली थी, लॉकडाउन के बाद लोग शो देखेंगे कि नहीं, एक हाउसवाइफ की कहानी लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, हमको 90% लोगों ने कहा था नहीं देखेंगे, ये क्या है लॉकडाउन के बाद अब एक हाउसवाइफ, कुछ यंग लव स्टोरी दिखाओ, थोड़ा
गिमिक्स करो, बड़े बड़े सेट्स बनाओ, रोना धोना ड्रामा करो, बट ये हमारी टीम की कन्विक्शन थी, सारी टीम मेंबर्स की कन्विक्शन थी कि नहीं अनुपमा शो बनाएंगे, अपने कन्विक्शन से बनाएंगे, जो जिस तरह के शोज चल रहे हैं अभी उसके बिल्कुल विपरीत लॉकडाउन के बाद हमने ये शो बनाया। एंड थैंक यू टू द ऑडियंस कि आज हमें उनका प्यार मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है। आंटी आपसे जानना चाहेंगे, सर का बर्थडे है, टिया भी इतनी हाई आई है, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? ब्लेसिंग इज अ वर्क शुड कंटिन्यू एज इट इज एंड इट विल ग्रो, द शो विल ग्रो मच हाई इन टीआरपी। रूपाली मैम, टीआरपी के जब अनाउंसमेंट हुई तो आई सॉ यू वर वेरी इमोशनल एंड लाइक ओवरवेल्मिंग आई Yes, because ये एक वैलिडेशन हो जाता है फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन। यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली फॉर सो मच टाइम, यू हैव मेड अ न्यू फैमिली, बट ऑल्सो यू मिस योर चाइल्ड एंड ऑल एट होम। बट ये एक वैलिडेशन है और एक इनक्रेजमेंट है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो इतना सारा प्यार मिल रहा है तो जो कर रहे हैं उतनी ही शिद्दत से, उतनी ऑनेस्टी के साथ करते रहो। मानता नहीं लॉन्च्ड एंड दैट वॉज माई फर्स्ट शो एज ऑन टेलीविजन एज एन एक्टर एंड ही वॉज माई डायरेक्टर, इट वॉज हिज फर्स्ट शो एज अ डायरेक्टर। हाँ, हम दोनों का डेब्यू। सो वहाँ से जो आई थिंक तब जो पोटेंशियल इन्होंने मुझ में देखा, वो आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उन्हें सही प्रूव कर सकूं। और आपने जो पोटेंशियल मुझ में देखा क्योंकि रूपाली जब मैं पहली बार मिला तो रूपाली वॉज लिटिल हेजिटेंट टू मेक अ कमबैक। मैंने कहा था राजन, आई मीन शी इज़ अ वेरी वेरी टच वुड, आई हैव रियलाइज्ड वन ब्यूटिफुल फैमिली शी हैज़ अश्विन एंड आई मेड अ सन एंड ऑल, ब्यूटिफुल निट फैमिली। एंड शी सेड राजन, अभी मैं काम करूँ नहीं करूँ, यू नो लाइक यू नो यू हैव योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आई वॉज ऑल द टाइम कि अभी रूपाली करेगी नहीं करेगी, बट इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितना उन्होंने सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने, अश्विन, एवरीबडी रियली सपोर्टेड आज एंड बिलीव्ड इन आज, यू नो दैट यस वी विल क्रिएट अ शो फॉर द फैमिली एंड थैंक यू। मुझे सबसे ज़्यादा इन पर बिलीव था बिकॉज द वे ही टोल्ड द स्टोरी। जब कोई नरेटर आपको स्टोरी सुनाता है, व्हेन यू आर हुक्ड ऑन टू दैट नरेशन, तो जब वो देखेंगे तो वो उससे ज़्यादा ही बढ़कर आएगा। तो इतना बिलीव था कि ये जिस तरह से ये स्टोरी बोलेंगे, जिस तरह से ये ले आएंगे ऑडियंस के सामने, ऑडियंस को इस स्टोरी से कनेक्ट होना ही है। और तब टीआरपी वगैरह ये सब नहीं सोचा था, यही सोचा था कि ऑनेस्टी से पूरी शिद्दत के साथ ये काम करना है, जो ये भरोसा मुझ में कर रहे हैं ये रोल देकर। एट 40+ यू आर प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट एंड जब वो इतना भरोसा कर रहे हैं तो इनका भरोसा चाहे कुछ भी हो जाए तोड़ना नहीं है। एंड ऑफ कोर्स माय हस्बैंड इज सैक्रिफाइसिंग सो मच, स्टेइंग एट होम, टेकिंग केयर ऑफ होम एंड हर्थ एंड सेंडिंग मी हियर टू डू समथिंग दैट आई लव, दैट प्रॉब्ली आई डिजर्व एज एन एक्टर, उन्हें प्राउड फील कराना था मुझे। सो इट वॉज फॉर दीज टू मैन, इनको इनका भरोसा नहीं तोड़ना था और उनको अपने आप पर प्राउड फील करवाना था। Even the show and even your character has been awarded by Dada Saheb Phalke Award. Anything you want to say about that? Thank you. Award is a validation of the hard work and the efforts that the entire team puts in. I am just the face. So it is from my director to my DOP to the entire unit, how hard they work. They are probably here before we actors come in. Yes. And the writers, the so much of brainstorming they do before the scenes come to us. So actors are a very small part, they are just the face of a show that so much efforts go into making a show. So thank you so much, any award is a validation of everybody's work. Lastly, wish to Rajan sir and what you want to say to all the Rajan sir, ko main yahi kehna chahungi, I wish him health, I wish him happiness and I wish him all that he's wished for and much much more. And TRPs. And TRPs. His favorite show is, I'm biased also, but I know that your favorite show is Anupama. Yes. So my favorite show is Jaan Hai, but
ये रिश्ता कहलाता है इन अनुपमा टू ऑफ द लाइक यू नो लाइक देखो हार्ट एंड सोल बीकेपी द पिलर ऑफ बीकेपी आई एम वेरी हैप्पी कि 2020 में हमने अच्छे शोज लेके आए ये रिश्ता कहलाता है रिश्ते प्यार के और फिर आइसिंग ऑन द केक आ गया अनुपमा सो somewhere 2020 has been a very blessed year for all of us absolutely it is a blessing that you know people are so worried about things that are happening around despite that if they get like that half an hour of relief through the shows that 1 hour that DKP gives them that's so much a blessing for us definitely I think yes look guys thank you thank you so much. Thank you aap dono ko